नमस्कार दोस्तों, आज आपसे रूबरू सामने होने को दिल कर रहा था। मौसम भी वैसा ही है, माहौल भी वैसा बना हुआ है कि गार्डनिंग क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जाए जिसमें पैसे की लागत कतई ना हो, आपकी रुचि श्रेयस्कर हो, वही आगे आए। रुचि ही तो श्रेयस्कर है, रुचि ही से सब कुछ बनता है। दरअसल सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने चैनल का नाम सिंपल गार्डनिंग इसलिए रखा है कि हर आदमी को उपलब्ध हो। बहुत लोग कहते हैं बड़ा महंगा शौक है, महंगे से महंगा शौक भी है, भूतल पर विचरे सभी प्राणियों के लिए। बजट गार्डनिंग, जीरो बजट गार्डनिंग, लो बजट गार्डनिंग, नो बजट गार्डनिंग, मिनिमम बजट गार्डनिंग, ये भी तो हैं, कर सकते हो आप। अब ये उसके लिए बनाया जा रहा है जो शुरू में गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं, जैसे हर कोई सोचता है कि कहां से शुरू करें भाई, क्या गार्डनिंग क्षेत्र कोई है, क्या बला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, कुदरत से प्रेम करने की समर्था होनी चाहिए, उस नेचर को रोज बनते कई बार बिगड़ते देखने का साहस होना चाहिए। हरदम क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में प्रश्नवाचक विस्मयार होना चाहिए कुदरत के प्रति, पौधों के प्रति। आपका जीवन भली भांति कटेगा। और फिर पॉल्यूशन का तो बात ही अलग हो चुका है। पिछले 100 सालों में इंसान ने क्या कर दिया है इस धरती को, जल को, वायु को, एटमॉस्फेयर को, सबको। सोचा है कि इस वीडियो में सब कुछ ही कवर कर दिया जाए। अब हवा पानी तो कुदरत ने देते हैं, हवा भी और पानी भी, इसमें तो कोई पैसा की लागत है नहीं। क्या चाहिए होता है हमें? मिट्टी चाहिए पौधे के लिए, रेत चाहिए। मिक्सचर जो बनाया जाता है वो मिट्टी से बनाया जाता है, रेत से बनाया जाता है, खाद से बनाया जाता है, कोकोपीट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, कई और भी माध्यम अभी पाइपलाइन में है। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, खाद भी नहीं है कोई बात नहीं, रेत भी नहीं है कोई बात नहीं, मिट्टी के में आधा कचरा घर का मिला दो, सब्जियों के छिलके हो जो भी डीकम्पोजिंग एजेंट हो या फ्रूट के छिलके हो, दोनों को मिक्स ही कर डालिए, कोई फफूंद नहीं लगे, उसमें गमले में भर दीजिए, रेत की ना हो, कोई खाद भी ना हो। उसके अलावा अगर सब्जियों की खाद आपको बनानी आती है उसको पीस के डाल दीजिए, थोड़ी देर में डिगे करके भाग दीजिए, सुगंध या दुर्गंध को भूल जाइए। सुगंध दुर्गंध जीवन का हिस्सा है, दुख सुख हानि लाभ कोई दिक्कत नहीं। परफ्यूम भी तो लगाते हैं ना हम, तो काहे की दुर्गंध और काहे की सुगंध, गमला नहीं है क्या दिक्कत है? मिट्टी तो आप कहीं से भी ले सकते हो, दाएं बाएं से, यहां से मंगवा भी सकते हो, एक कट्टा एक गाड़ी लिंटर में पड़ते हैं जब टीप किया जाता है। गमला कोई पॉट कुछ भी, डब्बे हो, कनस्तर हो, बोतल हो, यहां तक कि थ्रोएबल आइटम में आती हैं जिसमें प्लास्टिक होता है, वन टाइम यूज वाला भी आता है। घर में कितनी ही प्लास्टिक की थैलियां आती हैं, कितना प्रोडक्ट आते हैं, उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। अब आप ग्रो क्या कर सकते हैं अगर पौधों की लाइन में करें जो कहीं से भी मिल जाते हैं। मैं तो मांगने पे भी जोर नहीं देता, भाई किसी को उखाड़ लाओ, ना बिल्कुल नहीं, उसी से मांग लो अगर मांगना है तो। मांगना भी नहीं है तो ऐसी जगह चुन लीजिए जहां पर कोई भी ना हो, प्रभु से प्रार्थना कर, वहां से छुरी कटिंग ले लो, एक आदि तुलसी ले सकते हैं, तुलसी भी मांगने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि मांग कर तुलसी लगती है। अगर मैं इस पर वीडियो बनाना चाहूँ ना कि तुलसी मांग कर अच्छी लगती है, तुलसी को किस दिन लगाओ, किस दिशा में लगाओ, कब पैसे आएगा, कब जाएगा, अगर मैं सारी उम्र इन पाखंडों पे लगाता रहूं ना तो भी मेरे से वीडियो बनते बनते मैं हार जाऊंगा, पाखंड दूर नहीं होंगे, वो तो मेरे जीवन में है नहीं, ना मैं विश्वास करता हूं, ना मैं ऐसे वीडियो देखता हूं। तो आप तुलसी ले सकते हैं, सदाबहार विनका ले सकते हैं, कहीं भी पड़ा है कहीं से भी ले लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। एलोवेरा पड़ा है, सरकार ने यहां वहां लगा रखे होते हैं, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, गांव में भी मिल जाता है। पर्पल हार्ट ब्राउन रंग की शेड पड़ी होती है, हर एक पार्क में मिल जाती है, जैसे मैंने बताया एलोवेरा हो गया, पर्पल हार्ट होगी, तुलसी होगी, विनका होगी, एक स्नेक प्लांट पड़े होते हैं दाएं बाएं कहीं मिल जाते हैं, वो भी कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाने चाहते। घर में तो पड़ा है, सर्दी के मौसम में कितने फ्रूट आते हैं, कितनी सब्जियां आती है, उन्हें इकट्ठा करो, उनके बीज को डालते रहा करो,
नेचर का चमत्कार देखो, आपको खुशी होगी जब वो प्रस्फुटित होंगे, अंकुरित होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। और ऐसी चीज है, अगर आप गिर भी गई, खत्म भी हो गई, कोई अरमान नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे इसी तरह ही आप दाएं बाएं से अगर लेना चाहते हैं तो बोगनविला ले लो, चांदनी ले लो, चंपा ले लो, हमारे भारत के कितने भी है देसी पेड़, वो ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सर्दी का मौसम है, खूब सब्जी आ रही है, खूब फल आ रहे हैं। अरे अजवाइन है ना, उसको बो दो, अजवाइन का मौसम भी आजकल, जीरा बोलो, मेहंदी बोलो, मेथी दाना बोलो, सौंफ बोलो, गेहूं बोलो, ज्वार बोलो, जो जो बोल लो, कंगनी बोल लो, रागी बोल लो, ये कुछ मोटे अनाज भी हैं, मिलिट्स हैं भारत के, जो 100 साल 50 साल पहले दादी अम्मा तक चलते थे, अब मिट चुके हैं, वो डाल दो, उसमें क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जबरदस्त, उसे आप कट करके खा सकते हैं, दूसरी बार फिर उग सकता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाना भी चाहो तो एक बार खा लो, एक बार पौधों में डालो, क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी, अमृत बन जाएगी, मिट्टी अमृत बन जाएगी, इस पे 20 वीडियो बन सकते हैं। अब एक आधी बात आपने आ गई, हवा पानी से मिट्टी की बात मैंने आपको बता दी, पौधे की, कंटेनर की बात, प्लास्टिक का या कूड़ कबाड़ जो भी मिलता है उसमें, और तो और मिठाई के डब्बे, ये डब्बे, गिफ्ट बैग, कागजों के डब्बे, उसको भी थोड़ा आकार देके वो भी बना सकते हैं। यानी कि कोई चीज भी मत फेंकिए, फेंकने की जगह उसमें ग्रीनरी, कार्बन उत्सर्जन को भगाइए, जहरीली गैसों को भगाइए। फिर कह रहा हूं, समर्था होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। पैसे यहां पर कहीं भी इन्वॉल्व अभी तक तो नहीं हुआ, ना ही होगा। अब बात खाद की आती है, गमले भी हो गए, मिट्टी भी हो गई, आप घर पर भी खाद बना सकते हैं। बंधुओं, कोई खाद गर्म या ठंडी नहीं होती। लोग कहते हैं सरसों की खली, सैकड़ों लोगों ने ये बात बताई है, ये खली गर्म है, वो खली, पैरासीटामोल एक बुखार निवारक दवा है, डॉक्टर कहता है गर्मी में नहीं दूंगा क्योंकि पैरासीटामोल गर्म है। पौधे को ये नहीं पता कि गर्म है कि ठंडा है, पौधे को पता कि पोषण मिल रहा है, भले वो DAP केमिकल से मिले या आपको ऑर्गेनिक तरीके से मिले। ये बात अलग है कि केमिकल से बांझ हो जाती है ज्यादा मात्रा में, अगर कार्बनिक पदार्थ नहीं डालते, देख रसायन, देख केमिकल, वो बात अलग है। बीज कहां से लें? बीज उससे लें जिसपे पूरी मात्रा में लिखा हो। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि ऑनलाइन लें, एक अच्छी ऑनलाइन कंपनी से लें जो बीज बनाने वाली अच्छी कंपनी है। सो कार्ड कोई भी ऑनलाइन हो सकती है, जो आजकल चली हुई हैं कंपनियां खेती बाड़ी की, नहीं अमेजन वगैरह, इसी तरह के जो उनके पास अच्छी कंपनियों के बीज होते हैं उस पर टिक मार कीजिए। ये बीज वालों से लेने, बीज भंडार से, ये सीड कंपनियों से, या अपने कहीं से भी लेना चाहते हैं तो पूरा उसमें पता देखेंगे तब लिया कीजिए। जैसे मैंने बताया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, कस्टमर केयर नंबर। नर्सरी की बात, पौधे कहां से लें, अगर आपने खर्चा करना भी है, अब ये उन वालों के लिए, कोशिश करें कि अगर आप कहीं भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, NCR में रहते हैं, दिल्ली हो गया तो दिल्ली के 50 किलोमीटर दूर चले जाएं, गाजियाबाद में दूर चले जाएं, अंदर गांव में, नगर साहिबाबाद में, बल्लभगढ़ चले जाएं, गुड़गांव में रहते हैं तो पटौदी की ओर उनके गांव में चले जाएं। कोई भी पौधा, मान लो बंधु रोज भी आता है ना, छोटा रोज जिसे देसी रोज कहते हैं, 30 रुपए से ज्यादा नहीं आता, और यही रोज अगर अच्छी जगह पर लाओगे जहां पर इंसान बसा है, ये 300 रुपए का आ जाता है। एक रोज का प्लांट, एक बंधु ने मुझे बताया कि मैं गुड़गांव की पोष इलाके में रहता हूं, मुझे 500 रुपए का मिला, वो उसकी कीमत है सिर्फ 20 रुपए, वो 500 कितना गुना हो गया, 30 गुना। ये जी हाँ, ये संभव है। एरिका पाम अगर आप मुंबई में लोगे 500 रुपए का मिलता है, अगर आप किसी शोलापुर या कोल्हापुर या औरंगाबाद में मिल जाएंगे वही आपको 50 रुपए का मिलेगा। यही हिसाब सो कार्ड जितने भी भारत के वो नगर हैं उस पे मिलता है, चाहे आप भोपाल में रहो, पूरा में रहो, पश्चिम में रहो, इंदौर में रहो, कानपुर में रहो, इलाहाबाद में रहो, लखनऊ में रहो, चेन्नई में रहो, हैदराबाद में रहो, या जयपुर में रहो, अगर हम नॉर्थ उसकी डाल दें, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। अब मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। अब 50 किलोमीटर दूर जाइए, 50 किलोमीटर वापस आइए, 100 किलोमीटर में आपका कितना खर्चा हो जाएगा। हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि 100 किलोमीटर में आपका कितना खर्चा हो सकता है, चाहे आप कार से जाओ, चाहे हवाई जहाज से, तो खैर नहीं जाओगे, चाहे बस में जाओ, चाहे गाड़ी में जाओ, तो आपको मान लो 50,000 के पौधे लाने हैं। सारी जिंदगी की बात कह रहा हूं, जो पौधा आप 10,000 रुपए का लाओगे वो आपको 50,000 का पौधा 10,000 में मिलेगा। सिर्फ 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाके, 50 किलोमीटर आके, सुबह से जाके शाम तक 40,000 रुपए बचा के ले आओगे, आपकी दिहाड़ी 40,000 की होगी। इतना होता है, अपने शहर से 40-50 किलोमीटर दूर हो जाएगी, जो पौधा
100 रुपए का मिलता है वो 20 रुपए मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, सब आपके शहर के बारे में बतलाया है। दूसरी बात, कोशिश कीजिए उस नर्सरी में जाइए जहां के जो थोड़ा एक किस्म की भाई है मरीचिका, जो कि हाईटेक कह लो या चमक दमक, वहां उस टाइप की ना हो, एक बिल्कुल जहां पर कारों वाले ना, आपकी कार तो आए लेकिन वहां पर रोज आना कोई कार वाला ना आके खड़ा हो, इस साहब निकल रहे हैं गाड़ी में से। बड़े शहरों में जहां पर आबादी होती है और वहां नर्सरी होती है, आपको 5 से 10 गुना ज्यादा मिलता है रेट। ऐसी जगह पर जाइए जहां आबादी कम हो, एक तभी तो मैंने आपको बोला कि 50 किलोमीटर, जहां आप रहते हैं 50 किलोमीटर दूर अंदर चला जाइए, नर्सरी ऐसे हो कि जैसे कोई गांव का इलाका हो, आपको पौधे बहुत सस्ते मिलेंगे। आप भारत के कहां से आते हैं सारे, कोई पुणे का गुलाब नहीं होता, कोई पुणे की नर्सरी नहीं होती, कोई कश्मीर का गुलाब नहीं होता, कश्मीर के तो मिनिएचर गुलाब, सॉरी मिनिएचर गुलाब हो गए, फ्लोरी बंडा हो गए, या जो हाइब्रिड गुलाब हैं वो होते हैं, जिसके अंदर अगर बात करना चाहो जो कट फ्लावर एक वैलेंटाइन डे को मिलता है या 1 जनवरी को आप लेते हो, मर्सरीज है, ग्रैंड गाला है, ताज है या इब्राहिम लिंकन है, उसके लिए पूना की वैरायटी बड़ी अच्छी होती है, पूना की में उगाया जाता है, कोई पूना का गुलाब नहीं होता। तो ये जो चीजें अलग अलग यूनिवर्सिटियों ने या अलग अलग शहरों के इलाकों में मशहूर आदमियों के नाम पर स्थापित हैं, तो जैसे मेरा मन करा कि आपसे मुखातिब हुआ जाए, कोशिश करूंगा जल्दी फिर आपसे, आज मैंने बात करी एक थोड़े से समय में एक लो बजट गार्डनिंग की, ऐसे आदमी करेंगे जो जानते भी हैं, ऐसे आदमी जो बिल्कुल नहीं जानते, जिसको कहते हैं जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ए बी सी या का खा गा से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर तो रह रहा हूं आपने पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, आत्मसमर्पण होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए, नेचर से प्रेम होना चाहिए, प्यार बांटते चलो। नमस्कार, इस उम्मीद के साथ इस चैनल को आप प्रेम देते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।